रूस ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ 219 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ 48 ਘੰਟੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। मैम, एक और जो फ्लाइट आई है यहाँ से, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बच्चे जो लगातार बाहर आते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में भारत सरकार का पूरा प्रयास है कि हर भारतीय को जो भी मदद पहुँचाई जा सकती है उसे यूक्रेन से पहले दूसरे देशों में लाया जा रहा है और वहाँ से उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। यहाँ पर हर संभव प्रयास किया जा रहा है और सब लोग धैर्य रखें, जो भी संभव होगा वो हम लोग कर रहे हैं। मैम, और कब तक ये प्लान चलता रहेगा हमारा? ये अभी चलेगा, अभी 48 घंटे ये प्लान और चलेगा, उसके बाद देखते हैं सिचुएशन क्या डिमांड करती है। मैम, कभी आपको कितने भारतीय और वहाँ बचे हुए हैं और कितने आपके अंदाजा है अभी आपको? इस वक्त ठीक संख्या पूरी तरीके से देना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन 9,000 से ऊपर लोग जो है वो हम वापस ला चुके हैं। मैम, किसी बच्चे से बात हुई आपकी? जी, बात सभी से हुई, मगर वो इतना स्ट्रेसफुल माहौल है कि उनको सिर्फ स्वागत करने के अलावा, उनको ये कहने के अलावा कि भारत सरकार आपके साथ है और वो भी थैंक यू बोलते हुए निकल जाते हैं, उससे ज़्यादा अगर किसी की कोई दिक्कत है तो वहाँ पर हम लोग खड़े हैं, पूरे हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं, वो भी पूरी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ ये काम किया जा रहा है और सरकार का पूरा तंत्र इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, थैंक यू मैम।